मैं यहाँ से ना लिफ्ट लेके जा रहा हूँ बंदीपुर तक, और देखो लिफ्ट हमको मिलता कि नहीं मिलता। लिफ्ट फोर बंदीपुर। चलो एक भाई ने रोका है, चलो देखते हैं जल्दी से लिफ्ट देते कि नहीं देते हैं, कहाँ तक जाएंगे। यार नेपाल का जो रोड है ना भाई, बस ये प्रॉब्लम है रोड। अगर आप ना सिटी से आगे, अगर आप जाओगे सिटी के आगे, तो भाई यहाँ पे रोड बहुत खराब होगा, मिलेगा बहुत। अपनी पूरी लाइफ में ना ऐसे रोड में सफर नहीं किया। नहीं यार ये कब तक बनेगा रोड, यहाँ पे देखो ये सब गाड़ी वगैरह चल रहा है ना, देखो इन कुछ सालों में नेपाल में डेवलपमेंट तो बहुत तेजी से हुआ है, चाहे हम काठमांडू सिटी की बात करें या पोखरा सिटी की। लेकिन जब सिटी को विलेज से कनेक्ट करने की बात आती है तो नेपाल में आज भी रोड की कंडीशन बहुत ही खराब है। ना जाने कितनी सरकार आई और गई, लेकिन नेपाल में आज भी रोड वैसा का वैसा ही है। तो आज मैं जा रहा हूँ काठमांडू और पोखरा के बीच एक विलेज जिसका नाम है बंदीपुर, और बंदीपुर से पोखरा की दूरी 80 किलोमीटर है, जिसे हमें पूरा करने में 6 घंटे से ऊपर लगने वाला है। और ये 80 किलोमीटर की रोड की कंडीशन बहुत ही खराब होने वाला है, तो मैं आज ट्राई करूंगा लिफ्ट लेकर जाने की, वो भी नेपाल के इतने खराब रास्ते से। तो आज हम नेपाल के रोड की कंडीशन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि नेपाल में रोड बनाया जा रहा है या फिर नहीं। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह भैया मुझे लेने के लिए आ गए हैं। हेलो भैया, हाय हाय। लेकिन आज बहुत बढ़िया दिख रहा है, आज ना बहुत साफ दिख रहा है ना, मौसम साफ है ना, आज जाना था ना। बहुत बढ़िया मौसम लग रहा है, तो पूरा साफ क्लियर दिख रहा है वो। सुबह सुबह संतोष भाई मुझे पृथ्वी चौक से आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी चौक से आगे लिफ्ट मिलने की चांस थोड़ा ज्यादा है। आज जो है ना, मैं ना एक और चैलेंज करने वाला हूँ, मुझे बंदीपुर जाना लिफ्ट ले लेके, और ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि बंदीपुर है ना यहाँ से 80 किलोमीटर है भाई, और 80 किलोमीटर रास्ता तो आपको पता ना नेपाल का रास्ता कैसा होता है। चाय पसंद है ना? अरे भैया हाँ, नेपाली चाय भाई कमाल का चाय होता है यार, मेरे को काफी पसंद है यहाँ का नेपाली चाय। पता नहीं यार क्या मिलाते हैं, मतलब कि कुछ मिलाते होंगे जरूर यार, मसाला टाइप का लगता है यार कुछ। चलो पहले हम यहाँ पे चाय पीते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। देखो चाय तो मैं नहीं पीता, लेकिन जब नेपाली चाय की बात आती है तो मैं यहाँ पिघल सजाता हूँ। पता नहीं कौन सा मसाला मिलाते हैं यहाँ के चाय में। लोग जो है ना भाई, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे इनको आप देख लो भैया जी को। राम राम। राम राम भैया जी। अब ना जाने क्यों इस रेस्टोरेंट में अलग अलग कंट्रीज के टाइम जोन लगे हुए थे, हो सकता है गोरे लोग इस रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा आते होंगे। हमारे इंडिया से जो चाय ना यहाँ काफी ज्यादा अलग है, तो आपको यहाँ का चाय का, खास करके पोखरा का चाय आपको काफी ज्यादा अलग लगेगा। जो रोड है ना इतना साफ सुथरा यहाँ पे रोड है कि लोग यहाँ पे आराम से ना बिना चटाई बिछा के सो सकते हैं भाई, आराम से सो, आराम से रोड पे सोने की कोई दिक्कत नहीं है। इस सिटी के रोड इतने लंबे चौड़े होते हैं कि यहाँ मैंने कभी भी ट्रैफिक नहीं देखा, और इसका मेन रीजन यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। पोखरा का पॉपुलेशन 600,000 है, इसलिए आप यहाँ हमेशा लेस क्राउड देखोगे। मुझे यहाँ बता रहे कि यहाँ से दिल्ली का डायरेक्ट यहाँ से बस चलती है ना, यहाँ से दिल्ली के यहीं से बस चलती है। लिफ्ट लेने का सबसे सही तरीका होता है आप किसी पेट्रोल पंप के आसपास चले जाओ, क्योंकि जिसे भी पेट्रोल की जरूरत होगी वो वहाँ रुकेगा जरूर। लिफ्ट लेते टाइम आपके चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल होना चाहिए, क्योंकि स्माइल से लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, वो भी नेपाल के लोग तो और भी जल्दी अट्रैक्ट होंगे। चलो देखते हो भाई यहाँ पे लिफ्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। संतोष भाई एक लौते ऐसे पर्सन है नेपाल में जिन्होंने मेरी दिल खोल के हेल्प की है। अब इतने दिन साथ रहते रहते इनसे हमारी फैमिली वाली बॉन्डिंग बन चुकी है। तो संतोष भाई को अपना शॉप खोलना था, तो मैं उन्हें अब अलविदा बोल देता हूँ। इमोशनल हो गया यार, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया यार। बढ़िया से जाइएगा भैया। अब इतना सुबह सुबह लिफ्ट मांगने के टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं वो तो आसपास ही जा रहे हैं, सिटी से कोई बाहर जा ही नहीं रहा है। मुझे यहाँ पूरे 20 मिनट हो चुके थे पेट्रोल पंप के सामने, तो अब मैं डिसाइड करता हूँ पेट्रोल पंप से आगे जाने का। अब मैं सिटी से आगे जाके ट्राई करने लगा, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम चल रही थी। मैं किसी ट्रक वाले के इंतजार में था, क्योंकि ट्रक वाले जो है वो लिफ्ट जल्दी दे देते हैं। एक बात बताओ भाई, लड़की लोगों ने यहाँ पे काफ़ी जल्दी लिफ्ट मिल जाता है, बट लड़के लोग को भाई नहीं मिलता है। मेरी एक फॉरनर फ्रेंड थी मरीन, जो आपको मैंने पहले काठमांडू में दिखाया था, उसको बहुत जल्दी लिफ्ट मिल गया था पोखरा से काठमांडू के लिए, बट मेरे को तो भाई स्ट्रगल करना पड़ा है यहाँ से। फाइनली मुझे 40 मिनट बाद मेरा पहला लिफ्ट मिल जाता है। चलो एक भाई ने रोका है, चलो देखते हैं जल्दी से लिफ्ट देते कि नहीं देते हैं, कहाँ तक जाएंगे।
बंदीपुर बंदीपुर से मत आए ना, विजयपुर से मजा नहीं होता लिफ्ट लेना। आप कितने दूर तक जाओगे? विजयपुर तक। हाँ, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से ज़्यादा नहीं, लगभग दो दो किलोमीटर है। दो किलो चलेगा, चलो पता तो नहीं है। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, फाइनली 2 किलोमीटर के लिए लिफ्ट मिल गया। धन्यवाद भैया, बहुत करते हो आप। भैया भी ना, भैया ब्लॉगर, इसलिए भैया ने रोक लिया गाड़ी। फाइनली मुझे लिफ्ट मिल गया 2 किलोमीटर के लिए, 2 से 3 किलोमीटर के लिए। अच्छा भैया, आगे भी लिफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चांस है ना? अच्छा, यहाँ पे लोग लिफ्ट देते हैं? देते हैं ना। अब ये जनाब मोटो ब्लॉगर थे, इसलिए इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया। अब देखो, लिफ्ट तो मुझे ज़्यादा दूर के लिए नहीं मिला, सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के लिए मिला, लेकिन पहली लिफ्ट मिलने की खुशी अलग ही फीलिंग देती है। ये भाई साहब मुझे 4 किलोमीटर आगे जाके छोड़ देते हैं। चलिए भैया, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू लिफ्ट देने के लिए। क्या नाम है आपको चैनल का? राइड स्वीट संदेश। राइड स्वीट संदेश, संदेश। चलिए मैं देखते हैं ना। चलिए हेलो, सुनो ना, हम लोगों को यहाँ तक राइड मिल गया ना, अब आगे से देखते हैं भाई आगे अब हम लोगों को कितना दूर जाना पड़ेगा। यहाँ तो बस स्टॉपेज है, यहाँ पर काफ़ी लोग बस वगैरह ले रहे हैं। अब यहाँ मुझे पूरे आधे घंटे हो चुके थे और मैं जगह बदल बदल के लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था। बंदीपुर तरफ कोई जा नहीं रहा था, मुझे एक दो ट्रक वाले भी मिले लेकिन वो कहीं और जा रहे थे। अब मुझे यहाँ पूरे 2 घंटे हो चुके थे। अब मेरे सामने एक बस रुकती है, मजबूरन मुझे उस बस में बैठना पड़ता है 300 रुपीज दे के। कौन से क्लास में हो? मैं 6 में हूं। बंदीपुर आप गए हो? बंदीपुर? हां गए हूं। कैसा गांव है? अच्छा है। अच्छा है ना? घर ही घर है। बहुत सारे पुराना पुराना घर भी दिखा ना। गांव है ना वो? हां भाई, यहां का जो रोड है ना भाई, बहुत ही कंजेस्टेड रोड है, मतलब थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड में। देखो कहीं कहीं ना काम चल रहा है, देखो है ना ना। बाय। यहां आप जो भी रोड देख रहे हो, सारे मिट्टी के रोड है, ना जाने बारिश में इस रोड का क्या हाल होता होगा। यार नेपाल का जो रोड है ना भाई, बस यही प्रॉब्लम है रोड। अगर आप ना सिटी से आगे, अगर आप जाओगे सिटी के आगे, तो भाई यहाँ पे रोड बहुत खराब आपको मिलेगा, बहुत खराब। काठमांडू में, पोखरा में काफ़ी अच्छा रोड मिलेगा, लेकिन जैसे आप सिटी से बाहर जाओगे भाई, आपको रोड इस टाइप का मिलेगा। चलो मैं बारह रोड चल रहा हूँ, यहाँ पे स्कूटी काफ़ी ज़्यादा होती है, डस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा। अगर आप लोकल बस से सफ़र करते हो इस रोड में, तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, और ऐसे बस में सफर करना सच में मेरे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। यहाँ नेपाल में लग्जरियस बस भी चलती है, जिसे सोफा बस बोला जाता है। अगर आप उस बस से इस रोड में ट्रैवल करोगे तो आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। यहाँ धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे थे और मुझे धूल से एलर्जी है। बिना मास्क का इस रास्ते में सफर करना पॉसिबल नहीं है। 2022 से मैं काठमांडू से पोखरा इसी रास्ते से गया था, उस टाइम भी यहाँ के रोड ऐसे ही थे। उस टाइम भी रोड में काम चल रहे थे और आज भी रोड में काम चल रहे हैं, लेकिन अभी तक रोड बना नहीं है। यहाँ के लोकल्स लोगों को इस रोड की आदत हो चुकी है, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। एक सैरा रोड पे ना दवाई जरूर ले लेना यार, बहुत सर दर्द हो रहा है यार मेरा। मैं अपनी पूरी लाइफ में ना ऐसे रोड में सफर नहीं किया, पूरा बॉडी पता नहीं अभी और कितने दूर ऐसे रोड मिलेंगे हम लोग को। नेपाल में ट्रेडिंग का काम भी बहुत स्लो होता होगा, क्योंकि यहाँ एक सिटी से दूसरी सिटी की कनेक्टिविटी सब रोड पे डिपेंडेंट है। 80 किलोमीटर ट्रैवल करने में सिर्फ 3 घंटा लगता है, वही आपको नेपाल में 6 घंटे से 8 घंटे लग सकते हैं रोड की वजह से। जो भी फॉरेनर्स नेपाल आते हैं घूमने के लिए, वो काठमांडू टू पोखरा बस से जरूर जाते हैं, तो नेपाल के गवर्नमेंट को ये दोनों सिटी के बीच में रोड बहुत पहले ही बना देना चाहिए था, क्योंकि नेपाल की GDP में टूरिज़्म बहुत ही अहम रोल निभाता है। यार देखो, अगर आप ना लोकल बस से सफर करोगे ना, तो मैं आपको पहले एक सजेशन देता हूँ ना भाई, आप मास्क लेके जरूर आना। अगर आप मास्क लेके नहीं आओगे ना भाई, मुझे क्या ना, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे एलर्जी है डस्ट से, और यहाँ पे डस्ट काफ़ी ज़्यादा उड़ता है, रोड देखते हो कैसा रोड है ना, तो यहाँ पे आप ना मास्क जरूर लेके आना। और एक और बात है, सेराडोन है ना, सेराडोन जरूर लेके आना सर दर्द का दवाई, क्योंकि यहाँ पे आपको ना ऐसा रोड है ना, हेडेक काफ़ी हो सकता है। नेपाल का बस ये कमी है रोड का, रोड पे इशू है, रोड इशू बस इसका खत्म हो जाएगा ना, बहुत ही सीधा नेपाल जो है डेवलप करेगा। अब हमारी बस पहुँच चुकी थी धमोली विलेज। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पे एक 370 मीटर की ब्रिज है, और इस ब्रिज की स्टोरी बहुत ही यूनिक है, और इस ब्रिज को लोग चाइनीज पुल बोलते हैं, शायद इसे चाइना ने बनाया होगा। इस गांव के लोगों का मानना है, इस ब्रिज को जो भी लोग अपनी सांस रोक के एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँच जाएगा, उसके मन की इच्छा बोलो या फिर कोई मनोकामना, वो पूरा हो जाएगा।
मैं भी सोचा इस चीज़ को ट्राई करने का, लेकिन ये बस थोड़ा स्लो चल रही थी इसलिए मैं सोचा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब मैं दूसरे बस में आके बैठ जाता हूँ क्योंकि वो बस कहीं और जा रहा था। पूरे नेपाल में आपको इस तरीके से खाना सर्व किया जाता है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ और चिकन दाल ये सब मिल जाएगा और इसे नेपाली थाली बोला जाता है। पूरे नेपाल के लोग चावल खाना बेहद पसंद करते हैं और बहुत कम चांस है कि यहाँ पे आपको रोटी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जब से मैं नेपाल आया हूँ एक बार भी मुझे यहाँ पे रोटी देखने को नहीं मिला ना मुझे खाना नसीब हुआ है। अब खाना खाने के बाद मुझे एक घंटे बाद बंदीपुर के लिए बस मिल जाती है। बंदीपुर जो कि हिल में स्थित है, वो भी 1030 मीटर की ऊंचाई पे। इस बंदीपुर विलेज को नेपाल का यूरोप बोला जाता है। अब यहाँ से बस 9 किलोमीटर हिल में चढ़ाई करने वाला है। इस गांव के रोड बहुत ही नीट एंड क्लीन थे। अब ये बस बहुत ही देर से गोल गोल घूम रहा था और जिससे मुझे लग रहा था कि हम किसी बस में नहीं किसी झूले में बैठे हुए हैं। फाइनली मैं बंदीपुर पहुंच जाता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बंदीपुर विलेज देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्यों इस विलेज को यूरोपियन कंट्री से कंपेयर किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा भी ला देना ताकि हम एक दूसरे से ऐसे ही हमेशा कनेक्टेड रहें।